हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? दो आज हम देखने जा रहे हैं सम्राट की पाठशाला में से सावन को पानी। वो वाला अलग वीडियो है, ये गाना नहीं है। तो हम गाना नहीं देखने वाले थे सम्राट की पाठशाला के चैनल से। उनका टाइटल ही ऐसा है कि सावन को पानी। तो ये होने वाला इंस्टाग्राम रील्स का रोस्ट एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं तो क्या हाल क्या है? हाल आज है। कौन सा दिन है? अबे बताओ बताओ, आज फ्राइडे है। फ्राइडे बोला था ना, हर फ्राइडे को वीडियो आया करेगी, और देखो आ गई, और वो भी बिना स्पॉन्सरशिप के। वैसे ही बदनाम कर रखा है कि सम्राट भाई बिना स्पॉन्सरशिप के वीडियो नहीं डालते। बताओ इस वीडियो में स्पॉन्सरशिप है? पिछले वीडियो में स्पॉन्सरशिप थी? क्या बात कर रहे? बात करते हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। अब देखो यार, मैं अगली वीडियो की गारंटी नहीं ले सकता। अगली वीडियो में स्पॉन्सरशिप होगी कि नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। फिर पिछली वीडियो में हमें कई सारे कमेंट आए, जिसमें हमारे पाठशाला के विद्यार्थियों ने सावन के पानी के ऊपर वीडियो बनाने की बात कही थी। अब देखो यार, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यहाँ में पिघल भैया मैं पिघलू क्यों ना, जब सावन में आपको सोशल मीडिया पर ये चीजें देखने को मिले। तो भैया मेरे शरीर के हर एक छेद से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? बताओ क्यों ना दे आदमी जान? जिंदगी के इस भाग दौड़ में अगर आदमी को दो पद सुकून के मिल रहे हैं तो किसको क्या ही दिक्कत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन दोनों लड़कियों को नेशनल क्रश घोषित कर दिया जाए भाई साहब, और इनकी पेंशन भी बांधी जाए। इनका बिजली का बिल, मोबाइल बिल, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, हर कुछ फ्री किया जाए, और साथ में ही इनके मोबाइल में मेरा पर्सनल नंबर फीड किया जाए। तुम्हें क्या लगा आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल कंटेंट लेके आया हूँ? अजी घंटा, अबे देश में वैसे इतना गम है, मैं एक्स्ट्रा गम क्यों लूँ? आज तुम बस रील देखो। सरकार को बोलो इसकी भी टेंशन मान दी जाए, इसका भी सब कुछ फ्री किया जाए। अबे सचमुच जरूरत है यार ऐसी कन्याओं की, जिनको देखने के बाद चेहरे पर थोड़ी सी खुशी तो मिले। और जिस तरह तुमने इस वीडियो में आंटी जी को इग्नोर किया है ना, जनता माफ नहीं करेगी। अबे नमस्ते तो कर लो। आंटी जी प्रणाम, हम पूरी भारत वर्ष की तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं। भाई साहब आज तुम्हारा भाई मूड में बैठा, आज तुम बस रील ही देखो। सच बताऊँ ना तो मैं तो भाई साहब कंफ्यूज हो गया हूँ कि किसकी तारीफ करूँ और किसकी नहीं, क्योंकि हर कोई एक से बढ़कर एक है। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ से शुरू हो जाती है? जब लॉन्डे इस चीज में घुसते हैं। कमर तो इन सारी लड़कियों ने एक साथ मिलकर नहीं हिलाई, जिससे इस भाई ने अकेले ही हिला दी है। मगर क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जब अच्छा भला माहौल चल रहा होता है ना, तो कुछ छिले हुए नाशपाती आ जाते हैं अपना टैलेंट का प्रदर्शन करने। अब बताओ ये कैसा टैलेंट है ये? कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है कि जो कोई भी ऐसी हरकत करता हो उसको रिपीट पे ये वाली वीडियो दिखाओ। देखिए दुर्राटे का, ओरे बाबा। वीडियो खत्म हो गई का? अब भैया हो गई है तो यार एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो और आगे चलो। कोई तरीका है भीख मांगने का? सावन है ना दो प्रकार का होता है, पहला वो जो हमको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, या फिर कुछ इस टाइप का। बट असल में मानसून कैसी हालत कर देता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। यस दिस इज द रियल मानसून। यहाँ तो गाड़ी बह रही है, दूसरी तरफ सिलेंडर बह रहे हैं। सबको फ्री एक एक सिलेंडर, ये बढ़िया है। जिसको जरूरत हो एक आग ले लो बे। अब भैया पानी के आगे किसकी चलती है? बरसात में तो पूरे पूरे घर गिर जाते हैं, ये तो फिर भी गाड़ियां और सिलेंडर ही है। और आज के टाइम में लोग इतने मंदबुद्धि हो चुके हैं कि पूछो मत। मतलब तुमने एक मुहावरा सुना होगा, आपदा को अवसर में बदलना, पर आजकल के मंदबुद्धि वाली जो प्रजाति है ना, वो अवसर को आपदा में बदल देती है। तो मैं इंटेलिजेंट बात कर देता हूँ मैं। तुम पहले ये वीडियो देखो। नाटक ही हो, नौटंकी नहीं हो, नौटंकी।
हाँ ये कर लो पहले तुम। अबे बहन की बहरी लोमड़ी, हल्का सा पैर फिसल गया तो यही विसर्जन हो जाएगा तेरा, हरिद्वार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दुनिया बाबड़ी हो गई सोशल मीडिया पर लाइक के चक्कर में। और यार एक नंबर के फट्टू भी होते हैं यार, जरा से बिजली कड़क जाए ना इनके फटके दुल्लर हो जाती है। बिटिया यही खोपड़ी में बिजली गिर गई ना तो यही खड़े खड़े भुट्टा हो जाएगी। भाई अभी की सिचुएशन आप जानते ही हो, लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वाले जो है ना वो भाई साहब अलग ही मजे ले रहे हैं। दिल्ली को दिल वालों का शहर इसीलिए नहीं कहा जाता भाई साहब, वो बुरे वक्त में भी खुशी के पल ढूंढ लेते हैं। बंदा बीच में क्यों बैठा है? दिल्ली की ऐसी हालत देखकर ना मुझे एक चीज याद आ जाती है, एक बार एक लीडर ने कहा था दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहाँ भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी। ये सब देख के लगता तो है दिल्ली दिल वालों की ही है। तो भाई लंदन किसका है? लंदन यहाँ आधी दिल्ली पानी में डूबी हुई है और वहीं दूसरी तरफ मीडिया वालों के अलग ही बकैती चल रही है। मतलब आधे मीडिया वाले तो सीमा के घर जाके बैठ गए। हाँ हाँ बहुत ज्यादा। देख सकते हैं भाभी का इंटरव्यू हो गया, सचिन भाई अंदर लेकर जा रहे हैं उनको। वो हगने भी जा रही है ना भाई साहब, इनको वो भी दिखाना है। आए, आए। वो हगने गई है तो मोहल्ले में खुशी की लहर का क्या मतलब है? आधे जन तो यहाँ बैठे हैं, आधे जन अंजू के पति के पीछे पड़ गए हैं। भारत में इस वक्त चर्चा अंजू को लेकर हो रही है कि अंजू पाकिस्तान क्यों गई, किस मकसद से गई। अब हम अंजू के पति अरविंद से समझेंगे। अरविंद इस वक्त क्या आपकी सीमा से बातचीत हुई है? अरे मैडम तो अंजू का पति है, सीमा का नहीं। सीमा तक क्यों बतलावा को भाई हूँ? अबे अंजू के पति को सीमा का नाम सुनने झगड़ा लग गया। अरविंद इस वक्त क्या आपकी सीमा से बातचीत हुई है? बंद करो हाथ जो और जो कुछ मीडिया कर्मी बच रहे थे ना वो दिल्ली की बारिश को दिखाने में लग गए भाई साहब। इसे आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी और देखिए। हाय हाय माँ से गड्ढे में घुस गए। भैया ध्यान रखिए कि पानी में इधर उधर सांप ना घुस जाए। देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रहा भाई तुमको सच्चाई दिखाने में, पर यहाँ सच्चाई कुछ और ही है। इसे आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी और देखिए। बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। सब काटने में लग रहे भाई साहब, कोई किसी का सगा नहीं है। Why are you gay? और इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किसको हो रही है? जिसकी शादी इस समय फंस चुकी है। मतलब अब ऑप्शन है क्या बचा यार लोगों के पास, शादी तो करनी ही है। भैया घर कैसे जाना है वो तो बात की बात है, वो तो देख लेंगे, पर फिलहाल शादी करनी जरूरी है, सर्दियाँ आने वाली है भाई। चाहिए। पर बरसात की शादियों में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को होती है तो वो होती है बारातियों की। मतलब वो बेचारे कहाँ जाएं? लौंडा का तो भगोना में जाके बैठ गया। अब तो कहीं जगह ना मिली। पर शादियों में सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है खाना। उसे बराती कैसे छोड़ सकते हैं? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अगले की शादी का टेंट टूट गया, मजा ले भाई के हाथ से प्लेट भी छूट गई हो, भाई की जलवे ही अलग है। अगर तुमको भी अपने जलवे अलग ही दिखाने हैं ना तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, तभी मजा आएगा। अबे हम भी समाज में थोड़ा अपना मुंह दिखाने लायक हो जाएंगे, हमको 10 मिलियन नहीं करने क्या? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। अगर आपको हमारी बकचोदी पसंद आती है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जॉब वायदा सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। अरे भैया मजेदार यार, ये वाला जो है ना सावन को पान, वो वाला मैंने ट्रेंड कभी किया वो तो उसके पे, उस पे मैंने रील कुछ बनाया तो नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। घर में भी मेरा भाई भी वही गाना गाते रहते हैं हम तीनों, लाइक भाई बहन। और सच्ची में यार, और सम्राट की ये वाली वीडियो ना मजेदार थी। एंड जो स्टार्टिंग में इतने सारे हमारे ऑडियंस को आंखें इतने सेक लिए हैं हमारे ऑडियंस ने, मजा आया ना आप लोगों को? हाँ बस और कह सकते। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।